In the name of the Lord Jesus, who has great authority over all kind of things in this world. Greeting in Jesus' mighty name to all YouTube family. Ameer Dakhlo, aap sab khairiyat se honge. I'm going to tell you about the great last word of Jesus Christ on the cross. Aaj मैं इस व्लॉग में आपको सात सलीबी कलमात जो खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर कहे, सातवां कलमा आपके सामने मैं पेश करूंगा। सात सलीबी कलमात में से आखिरी कलमा, सातवां कलमा जो खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी ज़ुबान मुबारक से कहे। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट, लेट्स प्रे। Father, in Jesus' mighty name, help me that I can share your word to the people of the world. Holy Spirit, help me to share this word. Whenever and whoever watch this vlog, watch this, your word, you have to bless in Jesus' name. Amen and amen. तो आए मेरे साथ हवाला निकाल ले लूका उसका 23वां बाब उसकी 46वीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रासबाज था। खुदावन यीशु मसीह के नाम में इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। तो सातवां कलमा जो खुदावन्द यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा किया, उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने अपने बाप को कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह का रिश्ता अपने बाप के साथ वाज़ेह नज़र आता है। खुदा जो पाक है, जो पाकीज़गी में रहता है, खुदा ने यीशु मसीह की रूह को कबूल किया। यीशु मसीह ने अपनी सारी ज़मीनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी पाकीज़गी में गुजारी, पाक ज़िंदगी बसर की। दुनिया में पाकीज़गी है और नापाकी है। अब्लीस नापाक है और खुदा पाक है। कलाम कदस में लिखा है कि खुदावन ने कहा, तुम अपने बाप अब्लीस से हो, क्योंकि अब्लीस कैसे काम करते हो। जब हम गुनाह करते हैं तो अब्लीस कैसे काम करते हैं और हम नापाकी की तरफ ले चले जाते हैं। हर किस्म का गुनाह इंसान को नापाक करता है, लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर हमें एक इख्तियार दिया ताकि हम इस गुनाह पर गालब आएँ, और उसने बड़ी फतह हासिल की सलीब पर, और वो फतह कलीसिया को दे दी, हमें दे दी, ताकि उस फतह में रहते हुए हम इस गुनाह पर गालब आ सके। कलाम में लिखा है कि इनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे जो बदन और रूह को दोनों को जहन्नम में ले जा सकता है। इससे ये मुराद है कि खुदा की निगाह में रूह की बड़ी अहमियत है। हम अपने बदन को बड़ा संवारते हैं, बड़ा वेल ड्रेस होते हैं, अपने आप को जाज़्बे नज़र दिखाने के लिए दूसरों को अपने आप को संवारते हैं, लेकिन रूह की कम फिक्र करते हैं। बदन को भी संवारें, लेकिन इससे बढ़कर रूह का ज़्यादा ख्याल रखें। रूह की अहमियत खुदा की निगाह में बड़ी है। इसका ये मतलब है कि जब हम बदन को बड़ा संवारते हैं तो हमें रूह को भी संवारना चाहिए। जिसके जीते जी उसकी रूह खुदा के हाथों में है, उसको बड़ा सुकून है, बड़ा इत्मीनान है। सातवां कलमा सपुर्दगी का कलमा भी कहलाता है। यीशु मसीह ने अपनी रूह खुदा बाप के सुपुर्द कर दी। इसका मतलब है
कि खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को सरेंडर कर दिया खुदा के आगे, खुदा ने अपनी रूह अपना सब कुछ खुदा के आगे सरेंडर कर दिया। हमें भी चाहिए कि अपनी रूह, ना कि अपनी रूह बल्कि अपनी एबिलिटी, अपनी खिदमत, अपनी जॉब, अपने बच्चे, अपने वालदैन, अपने आप को, अपनी हर एक चीज़ खुदा के सपुर्द करनी चाहिए। जब हम ये सारी चीज़ें, अपनी एबिलिटी, जॉब, बच्चे, वालदैन, ये सारा कुछ खुदा के हाथों में सौंपेंगे, उसके सपुर्द करेंगे, तो वो सारी चीज़ों का महाफ़िज होगा। खुदा से बड़ा महाफ़िज कोई नहीं है। तो ये सुपुर्दगी का कलमा है, खुदा यीशु मसीह ने अपनी रूह खुदा के हाथों में सुपुर्द कर दी। यीशु मसीह ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पुराने दौर में जब बादशाह जंग के लिए जाता, तो जब जंग जीत कर आता तो बड़ी ललकार के साथ पुकारता। इससे ये मुराद है कि वो बादशाह जंग जीत कर आता है, लोगों को पता चल जाता कि बादशाह ने जंग जीत ली है। इसी तरह सलीब पर खुदावन यीशु मसीह ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इससे ये मुराद है, इसका ये मतलब है कि उसने सलीब पर फतह पाई, अबलीस पर फतह पाई, और वो यीशु मसीह जिसने मौत पर फतह पाई, अबलीस पर फतह पाई, जंग जीत गया। अगर आप भी गुर्बत की जंग में हैं, परेशानी की जंग में हैं, खा किसी भी जंग में हैं, तो यीशु मसीह को देखें, ये सातवां कलमा देखें। इस सातवें कलमे में हमें एक इख्तियार मिलता है, हमें यीशु मसीह का दिया हुआ इख्तियार मिलता है, और उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हमें हर किस्म की जंग को जीतना है। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। इसके बाद जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, तो बड़े अहम वाकयात रोनमा हुए। हैकल का पर्दा फट गया, दो हिस्से में हो गया, चट्टानें तिड़क गई, बड़े अहम वाकयात रोनमा हुए। इंसान का जो टूटा हुआ रिश्ता था वो यीशु मसीह ने बहाल कर दिया। अब हमारी रसाई खुदा तक है, हम जब मर्जी उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, अपनी मनाजातें उसके हजूर पेश कर सकते हैं, अपने दुख उसके हजूर में ला सकते हैं, अपनी खुशियां उसके हजूर में ला सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने टूटा हुआ रिश्ता जो इंसान का था वो जोड़ दिया, नफ़रत मोहब्बत में बदल गई, नाराज़गी राशि में बदल गई, मौत ज़िंदगी में बदल गई, परेशानियां, फिक्रें, आजमाइशें खुशियों में बदल गई, बेकरारी, बेसकूनी इत्मीनान में बदल गई। खुदावन यीशु मसीह जो इत्मीनान का सर चश्मा है, एक इत्मीनान को जारी कर दिया हमारी ज़िंदगियों में। अब वो इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती, वो इत्मीनान जो कोई और चीज़ नहीं दे सकती, यीशु मसीह में है वो इत्मीनान। इत्मीनान शराब में नहीं है, इत्मीनान दुनिया की रंगीनी से नहीं है, दुनिया की रंगीनी से नहीं है, बल्कि यीशु मसीह में है। अब वो इत्मीनान हमारे ज़िंदगी में है, हमारे दिलों में है। हर एक ईमानदार जो यीशु मसीह के साथ साथ चलता है, इस सारे प्रोसेस को जो यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया, जानने की ज़रूरत है। निजात का कलमा है, माफ़ी का कलमा है, मोहब्बत का कलमा है, जिस्मानी दुख का कलमा है, फतहमंदी का कलमा है, और सुबोधगी का कलमा है। सात कलमात खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर कहे, और ये आखिरी कलमा है जो खुदावन यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा किया। सातवां कलमा खुदावन यीशु मसीह का दोबारा आसमान पर जाने का कलमा है। सातवां कलमा दोबारा आसमानी बादशाही में दाखिल होने का कलमा है। सातवां कलमा खुदा बाप के पास दोबारा जाने का कलमा है। सातवां कलमा अबलीस को शिकस्त देने का कलमा है, और सातवां कलमा हमें इत्मीनान देने का कलमा है। ये सातवां कलमा हर एक ईमानदार के लिए बड़ा अहम है। जब कभी भी आप ज़िंदगी में हारना शुरू करें, या आप हारे हों, तो इस सातवें कलमे को पढ़ें, देखें और सुने। ये सातवां कलमा आपको
اختیار دے گا، یہ ساتواں کلمہ آپ کو اطمینان دے گا، یہ ساتواں کلمہ آپ کو برتری دے گا، یہ ساتواں کلمہ آپ کو ہمت دے گا، آپ کو زندگی دے گا۔ یسوع مسیح کو تھامے رکھیں، اس کو دیکھتے رہیں اور اس سے لپٹے رہیں۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔